हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दिवाली के सुबह की क्लिप है और हम लोग निकले थे फ्रेश फ्रूट्स और फ्लावर्स लेने के लिए। हाँ सब ठीक है, ये ठीक है ना? दो पन्नी दिया। वैसे तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मिलने लगती हैं, लेकिन हम लोग उसी दिन लेना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ 3-4 दिन पहले ले लो ना इसे, तो फिर वो कहीं ना कहीं सूख जाते हैं फूल। और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान रहता है तो हम दिवाली की मॉर्निंग ही लेते हैं। तो कुछ क्रैकर्स हमने लिए थे बच्चों के लिए, और आज भी मार्केट में बहुत ही रौनक थी। घर आने के बाद मैं तो सीधे लग गई किचन में, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करनी थी। और ये मैं बेबी पोटैटोज़ लेके आई थी, इसका मैं आलू फ्राई बनाऊंगी। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी ना उंगली में कट आ गया था, तो मुझे बहुत इशू हो रहा था कि मैं छिल नहीं पा रही थी एक्चुअली मैं आलू। तो ये चीज़ हस्बैंड ने देखी, तो उन्होंने बोला लाओ मैं छील देता हूँ, तुम बाकी के जो दूसरे काम है ना वो कर लो। फेस्टिवल की यही एक ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है कि सब मिलजुल के सारा काम करवाते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज़ में तो कोई नहीं हेल्प कराता। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा सरसों तेल, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और ज़ीरा और हींग का छौंका लगाएंगे। फिर यहाँ मैंने 4 स्प्लिट करके मिर्चियाँ ऐड कर दी हैं और जिंजर जुलियंस। इसको बस हल्का सा आपको भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मसाले कर लेंगे। मसालों में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। बस इसको हल्का सा भूनिए सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, मसाले जले ना। और इसमें जो हमने पोटैटोज पील करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे। और इन सबको ना आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है। ये सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आलू बॉयल्ड है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक और आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक आप कवर करके पकाएं। 2 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा डन हो गया है। ये देखिए एक अच्छी सी लेयर आ गई है इस पर। तो बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है और टेस्टी तो साथ है ही ये। अब इसे गार्निश करेंगे हम खूब सारे हरे धनिए से। धनिया डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है, आलू फ्राई। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही क्विक, बहुत ही यमी, और किसी भी फेस्टिवल सीज़न के आप नॉर्मली भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फैमिली में हर एक मेंबर का ध्यान रखना पड़ता है, तो आमे को पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने एक पनीर की भी डिश तैयार कर ली थी। ये भी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक है, लेकिन मैं इसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई। टाइम बहुत कम था ना, फेस्टिवल टाइम पे आप मल्टीपल काम रहते हैं आपको, तो ये मैंने नहीं शूट करी। लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और बच्चों ने आज रंगोली बनाने का सारा ज़िम्मेदारी उठा लिया था। बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी। हमें को ये सब काम करने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको मैंने इसकी ड्राइंग्स भी दिखाई थी और उसको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था ना, तो मैंने इसलिए भी इस चीज़ में इसको इन्वॉल्व कर दिया। बच्चों को ना इन छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट वो अपनी क्रिएटिविटी ना अच्छे से दिखा पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। और फेस्टिवल के दिन टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम इतने सारे काम पैरेलली कर रहे थे, मैं साथ ही साथ पूजा की भी तैयारी कर रही थी, हस्बैंड उधर मेन गेट पे माला जो भी लगानी थी वो लगा रहे थे, बच्चे लोग रंगोली बना रहे थे, लेकिन टाइम है कि फटाफट से निकलता जा रहा था। तो यहाँ मैंने जो भी कुकिंग का काम था वो सारा निपटाया और फिर मैं रेडी होके पूजा की मैंने जो भी थोड़ी बहुत तैयारी बची थी वो कंप्लीट करी। उसके बाद हमने मिलके आरती करी। आरती करने के बाद हर जगह दिए लगा दिए और उसके अंदर बच्चों को थोड़ा सा कहते ना कि फुलझड़ी
जलवाई हमने ताकि शगुन हो जाए। अम्मी को कोल्ड हो रहा था तो उसको तो मैंने मास्क पहना दिया था कि भाई और जब कहीं ज़्यादा चेस्ट कंडीशन हो जाएगा तो वो दिक्कत बढ़ जाएगी उसकी। प्रीता को मैं बाबा बुला रही थी कि आओ मेरे साथ फुलझड़ी जलाओ, लेकिन वो नहीं आ रही थी क्योंकि उसने लहंगा पहना था ना। उसने शुरू में ही एक दो चलाई, फिर डरने लग गई कि नहीं मम्मा मेरी लहंगे में ना आग लग जाएगी। और बहुत ही मतलब जितना मैं सजा सकती थी अपने घर को, मुझे सिंपलिसिटी से घर को सजाना पसंद है। और कुछ दिए बुझ गए थे क्योंकि सारे स्लाइडर्स खुले हुए थे ना, तो क्रॉस वेंटिलेशन होने की वजह से हवा काफ़ी तेज़ थी तो दिए थोड़े से बुझ रहे थे। और ये शैंडलियर्स है ना, बेस्ट परचेज थी दिवाली। चार चांद लगा दिए थे हमारे घर के लुक में ना इसने। चलो सबको हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली गाइस। और यहाँ देखिए इनकी जो चोट लगी थी ना और किचन में ये बार बार आके ना चुटर पुटर खाए जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से खाना सर्व ही कर देती हूँ, नहीं तो ये इन्हीं सब चीज़ों से पेट भर लेंगे। और बहुत ही अच्छा खाना बना था, मैंने राइस बना दिए थे, पूरी मैंने स्किप कर दी, आमे का गले का स्टेटस मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और बहुत ही यम्मी डिनर बना था। बाहर इतना शोर हो रहा है ना कि रिकॉर्ड करना ही मुश्किल हो रहा है, और पॉल्यूशन की तो पूछिए मत। तो चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आप लोगों की दिवाली कैसी बने ये आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी बनी। तो चलिए बस इतना सा ही था ये ब्लॉग, इसी के साथ मैं इसको एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय।